प्यारे विद्यार्थियों, हमने कह कविनायक कवि गिरधर लिखित कविता के बारे में इससे पहले आपको बताया है कि इस कविता के कुल मिला के 6 कुंडलियां हैं, 6 चरण हैं, उसमें से 3 चरणों के ऊपर हमने प्रकाश डाला कवि महोदय ने। यहाँ पर बहुत ही मार्मिक ढंग से ये समझाने का प्रयास किया है कि गुण मतलब और परोपकार करने वाले लोगों के ऊपर आसान फरामोश होने वाले लोग इस दुनिया में मिल जाते हैं। स्वार्थी मित्र, अभावग्रस्त लोगों को पैसे दिए हुए लोग पैसे वापस नहीं लौटाते हैं, और गुण से इंसान की पहचान किस प्रकार होती है उसका उदाहरण देने के लिए कवि महोदय ने कोयल का समर्पक उदाहरण दिया था। ये बात मैंने आपको बताई, और आगे आने वाले 3 जो कुंडलियां बची उनके बारे में आज हम कवि गिरधर के अनुसार किस प्रकार इसका विवेचन किया जा सकता है हम बता रहे हैं। इसके आगे चौथे चरण में कवि महोदय बताना चाहते हैं कि बिना विचारे काम करे सो पाछे पछताए, अपने बिगाड़े जग में जो हंसी होती है, जो बिगर सोचे काम करता है, जो सोचे बगैर कोई काम करता है तो उसको बाद में पछतावा होता है। इसलिए इंसान को कोई काम करने से पहले उनको सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए, सोचने के बाद ही काम करना चाहिए। यदि कोई आपने किया हुआ काम बाद में बिगड़ जाए तो आपको पछतावा होता है। नाचना गाना खाना पीना सब कुछ पूरी नींद, यहां तक कि नींद हराम हो जाती है, और उसी समय दुष्ट लोगों को हंसने का मौका मिलता है। इसलिए कोई काम करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, यह बात उन्होंने चौथे चरण में चौथी कुंडली बताई। पांचवी कुंडली में कवि गिरधर बहुत ही गजब की बात कहते हैं कि आपको जो हो गया सो हो गया, बीती बात को भूल जाना चाहिए। यदि आपसे आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई, आपके साथ कुछ अच्छा घटित नहीं हुआ, उस बात को जितना हो सके उतना तुरंत भूल जाना चाहिए, और उसी बात को दोबारा यदि विचार करते बैठोगे तो आपका जीवन हराम हो जाएगा। और जब उसी बात को लेकर आप बार बार सोचते रहोगे तो आपको नहीं चाहने वाले आपके दुश्मन को हंसने का मौका मिल जाएगा। इसलिए जो बीत गई उस बात को भूल जाना चाहिए, और भविष्य का स्वागत करने के लिए डटे रहना चाहिए, बात बताइए।